का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको कोरोना वायरस को लेकर बता देते हैं। कोरोना संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो साल के लिए सांसद निधि स्थगित, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी कटेगी 30% सैलरी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी कटेगी सैलरी, सभी सांसद अपनी सैलरी से 30% देंगे रकम। आपको बता दें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पैसों का होगा इस्तेमाल। तो लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देश प्रदेश हर जगह कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मौतों के आंकड़े जो हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ी खबर है, पीएम सीएम सांसद हर किसी की 30% जो है सैलरी कटेगी और जो कोरोना संकट से जूझ रहे हैं उनमें ये सैलरी इस्तेमाल होगी, उनके उपयोग में इस्तेमाल होगी, जो उनका उपचार होगा उनके उपचार में इस सैलरी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोरोना संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी कटेगी 30% सैलरी। तो कोरोना संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी की 30% जो सैलरी है वो कटेगी और प्रधानमंत्री की भी कटेगी सैलरी। तो जिस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े जो हैं बढ़ते जा रहे हैं उसी को देखते हुए लगातार सक्षम कदम उठाए जा रहे हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं और इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। सांसद, मंत्री और अनेक लोगों का ये मानना था कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत खुद से करें और इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह एक साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं लेकिन वो कानून में करना पड़ता है तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। तो सभी एमपीस, ऑल एमपीस और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है और आर्कित